सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आशीषित करें। आज एक बहुत खास सभा का दिन है। मंगलवार के सुबह मैं प्रेयर में था और मैंने खुदावंद को बोला, प्रभु मैंने तेरे दियो वे सारे वचनों को बोल दिया है। अभी नेक्स्ट संडे में आप क्या बात करना चाहते हैं? सुपाकरु जी ने जब मुझसे बात करना चाहा और मैं घर से स्कूल की ओर, बच्चों के स्कूल की ओर गाड़ी को निकाला, और हम प्रार्थना में रहते हैं जब भी गाड़ी में होते हैं, तो 9:15 करीब मैं चर्च में आ जाता हूं और प्रेयर में हम लोग बैठ जाते हैं और लगभग 1 बजे तक कंटिन्यू बिना स्टॉप किए, बिना रुके जो है प्रेयर 4 घंटे और कई बार तो 5 घंटे कंटिन्यू परमेश्वर की उपस्थिति में बिताने पड़ते हैं। परमेश्वर ने बोला इस संडे फैमिली के ऊपर आप प्रार्थना करो, फैमिली के ऊपर, हस्बैंड और वाइफ के लिए प्रेयर करो। हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी, एक ऐसा दो शब्दों का मेल है के बिना पति नहीं बनता, पति के बिना पत्नी नहीं बनती। कुवारा बंदे को बोलो राजू बोलोगे तो, राम बोलोगे तो, श्याम बोलोगे तो, वो केवल नाम से ही जाना जाता है। कोई उसे पूछे तेरी पत्नी का क्या हाल है, उसे कोई नहीं पूछता क्योंकि उसके पास पत्नी है नहीं। जब शादी होती है तब वो पति बनता है और उसके बाद वो पत्नी बनती है। तब लोग पूछते हैं, हाँ भाई तेरी पत्नी का क्या हाल है, तेरे पति का क्या हाल है, तेरे बच्चों का क्या हाल है। इट मींस अकेला बंदा अकेला ही है। जब जुड़ जाते हैं, दो हो जाते हैं, तब फैमिली बन जाती है। और आज हम भी प्रभु के साथ एक फैमिली के रूप में हैं और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आज जब आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, आपके ऊपर जब हाथ, मेरा हाथ से कुछ नहीं होगा, खुदाबंद का हाथ आना चाहिए, खुदाबंद का हाथ आना चाहिए। जब तक खुदाबंद का हाथ आपके शरीर के ऊपर नहीं आएगा, जब तक परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर नहीं आता, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है आपके जीवन में। देखिए परमेश्वर भला है, बोलो परमेश्वर, बोलो जी परमेश्वर क्या है, भला है ना। उसकी भलाई को देखा आपने, उसके कामों को देखा आपने, आपके जीवन में उसके काम प्रकट होते हैं, आपकी लाइफ में उसके काम प्रकट होते हैं। और जब काम प्रकट होते हैं तब आप कहते हैं यहोवा भला है। आज से लगभग 23 या 25 साल हो गए हैं जब मैंने प्रभु को परखा, जाना। उससे पहले हमारे भी कंडीशंस, हमारे भी हालात कुछ इस तरह से थे कि हमें नहीं पता था कि सिचुएशन कैसे बदलती है, हालात कैसे बदलते हैं। हमें नहीं पता बंधन क्या है, हमें नहीं पता था दुष्ट आत्मा कैसे अटैक करती है, हमें नहीं पता उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। पारिवारिक निराशा थी, पारिवारिक शराब पड़े हुए थे और हमारी फैमिली के अंदर दुख, तकलीफें, बीमारियां, नाना प्रकार के रोगों का
जमावाड़ा था, मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं, उसमें सारी चीजों का मैंने जिक्र किया है। हम लोग क्या क्या करने वाले थे, जहां किसी ने बोला हम वहां भाग करके जाते थे और सबसे पहले आगे बैठते थे, इसलिए आज भी सबसे आगे ही हूं। हर चीज को करके देखा, हर इलाज करके देखा, हर स्थान पर जाकर के हमने देखा भाई क्या क्या कहां कहां से मिल सकता है, सारा कुछ इकट्ठा करना है। पर हुआ क्या, हमें कहीं से एक बूंद शांति, एक बूंद चंगाई, एक बूंद भी हमारे घर के अंदर छुटकारा नहीं आया। फिर 1995 के अंदर मैं और मेरा बड़ा भाई और चाचा, तीन लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमारे सारे जी इकट्ठे होकर के हमारे खिलाफ बातें करने लगे, हमें डांटने लगे, तुमने कौन सा रास्ता अपना लिया, हम जहां पर हैं वहां बेस्ट हैं, वहीं पर सब कुछ ठीक है, तो इधर उधर मत घूमो, जहां पूरा परिवार जाता है वहीं पर जाना चाहिए। लेकिन हमने तो फैसला कर लिया कि अब पीछे नहीं बढ़ेंगे, अब तो आगे ही बढ़ेंगे। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इवन डैडी से, फादर से डंडों से मार भी खाई। 3 दिन तक रोटी मेरा बंद कर दिया, बोलते खाना नहीं देंगे अगर तुम्हें चर्च नहीं छोड़ा तो। वो है कौन, है क्रिश्चियन है तो मसीह है वो, लेकिन फिर भी वो जीसस को जानते नहीं थे। लेकिन हम अटल विश्वास में खड़े रहे, अटल विश्वास में तीनों बंदे, और चर्च में जाना, फास्टिंग पीरियड अटेंड करना, जब जब पास्टर ने बोला वहां पर मीटिंग है चलो जाएंगे, स्कूल में पढ़ते थे फ्री होते थे। आपको मालूम क्या हुआ, हमारे उस फेथ ने, हमारे उस विश्वास ने एक ऐसा कार्य किया, जहां हमारा विरोध था उसी मोहल्ले में, उसी घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह चानन बन के प्रकट हुआ और पूरा का पूरा मोहल्ला बदल गया, पूरा का पूरा मोहल्ला। अब आप बहुत लोग मेरे साथ जाके आए हैं, हम लोग वहां मीटिंग करते हैं दिसंबर के महीने में 27 तारीख को, हर साल चर्च बना के दिया वहां पर। वही लोग जो हमारे खिलाफ थे उन्होंने चर्च बना के दिया। परमेश्वर का वचन कहता है उसने तुम्हें तुम्हारी मां के गर्भ में आने से पहले क्या किया है, बोले क्या किया, तुम्हें चुन लिया है, अलग कर लिया अपने लिए कि तुम क्या बनो, उसके लिए भविष्यवक्ता बनो, उसके लिए नबी बनो। चर्च में आने वाली कलीसिया, कलीसिया के अंदर काम करने वाले लोग, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बुजुर्ग, जवान, हर बंदे के ऊपर परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर ने बंदे को इसीलिए बनाया था कि वो एक योजना के तहत काम करे। हम सब प्रार्थना घर में करते हैं, तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा, हम रोज मांगते हैं लेकिन बच नहीं पा रहा है। उसमें प्रभु की कोई कमी नहीं है, कमी हमारी है। कमी बोलो जी, कमी किसकी है, हमारी है। ओके, हमने कभी अपने परिवार को परमेश्वर की ओर आने के लिए बोला नहीं है अभी तक, सही तरीके से नहीं बोला है। बच्चा एक दिन स्कूल ना जाए नो प्रॉब्लम, छुट्टी कर रही है। 2 दिन भी ना जाए नो प्रॉब्लम, अगर बच्चा 1 हफ्ता ना जाए फिर मां भी सोटी उठाएगी और बाप भी सोटी उठाएगा और मार मार के स्कूल छोड़ के, क्योंकि वो कहते हैं उसके फ्यूचर का सवाल है। उसके क्या है, फ्यूचर का सवाल है। अगर बच्चे को स्कूल भेजना
उसके फ्यूचर की बात है, तो क्या आपको ये बात कब समझ आएगी कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको बनाया और प्रभु यीशु मसीह ने आपको एक बात बोली है, जहां मैं होगा वहां तुम होगा। अगर तू अकेला चर्च में है, तू अकेले चर्च में है, तो तेरा पति नहीं है, तेरी पत्नी नहीं है, तेरा बच्चा नहीं है, तो तू क्या जहां पर कर रही है? आपको समझना है, परमेश्वर ने आपको अगर चुना है तो आपके परिवार को साथ लेकर के चलने के लिए चुना है। कभी देखा, कभी आपने किसी शादी में दूल्हा अकेला चला जाए और बराती साथ में ना जाए, मां बाप साथ में ना जाए, भाई बहन साथ में ना जाए? दूल्हा कभी नहीं जाएगा जब तक पूरी फैमिली उसके इर्द गिर्द ना हो, उसके सारे रिश्तेदार सामने ना आए, तब तक वो कभी अकेला नहीं जाएगा। लेकिन चर्च में आने वाले लोग अकेले का तो कोई बात नहीं, तुम लोग काम पर चले जाओ, हम प्रार्थना, वो काम करते रहते हैं, लेकिन लास्ट देखना जब समय आएगा वो स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, वो नरक में ही सड़ेंगे और क्या हो जाएंगे, वहां पर तबाह हो जाएंगे। कोई मां बाप नहीं चाहता कि मेरे बच्चे का खून निकले, कोई मां बाप नहीं चाहता कि मेरे बच्चे दुखी रहें, कोई मां बाप नहीं चाहता कि मेरे बच्चे किसी के आगे हाथ फैलाएं, लेकिन हम उन्हें परमेश्वर के रास्ते पे भी चलाना अच्छा नहीं समझते हैं। मैं आज आपसे एक बात बोल चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको एक जिम्मेदारी दी है, तू बच तेरा घराना बचाया, बोलो जी, तू बच तेरा घराना बचाया। अब घराना कैसे बचेगा? हालेलुया, घराना कैसे? हमने मार भी खाई, भूखे भी रहे, विश्वास नहीं छोड़ा, मालूम क्या हुआ? परमेश्वर ने पूरा का पूरा परिवार बचा लिया। घर से जितने चीजों की हम उपासना करते थे, जहां हम लोग आराधना करते थे, हम सबको फिर त्याग करके सिर्फ एक ही परमेश्वर के पीछे चले, जिसने सूरज को बनाया दिन में रोशनी करने के लिए, चांदन को बनाया, चांद को बनाया रात को रोशनी करने के लिए, दिन बनाया काम करने के लिए, रात बनाई आराम करने के लिए, उस परमेश्वर की उपासना करने लगे जिसने मिट्टी के बुत के अंदर अपने जीवित श्वास को फूंक करके उसे जीवित प्राणी बनाया। और हमें ये समझ में आ गया कि दुनिया में कोई ऐसी पावर है जिसके कारीगर या जिसके हाथों में इतनी सफाई है कि जब उसने इस संसार को बनाया, उसने आकाश को बनाया, उसकी पावर दिखती है, कोई पिल्लर नहीं है, कोई बीम नहीं है, कोई सीमेंट नहीं है, कोई सरिया नहीं, कुछ भी नहीं, उसने बोला आकाश बन जाए, तो आकाश क्या हो गया? बोलो जी, आकाश तन गया, चादर भी ऐसे नहीं तनती जैसे आकाश तना हुआ है, बलून है ना, बलून हम जिसे हवा में फैला करके ऊपर को उड़ाते हैं, जो आपकी हवा उसके अंदर है ना, वो आपको ऊपर, बलून को ऊपर उड़ा नहीं सकती है, क्योंकि वो हवा थोड़े समय तक नीचे नीचे आ जाती है। पर याद रखें, परमेश्वर ने पंक्षियों को बनाया, वो कितनी कितनी ऊंचाइयों तक बिना किसी सहारे के उड़ लेते हैं, ऊपर तक, सबसे ऊंचा उकाब उड़ता है, सबसे ऊंचा। मैं जो आपसे कह रहा हूं वो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर एक सच्चाई छिपी हुई है, खुदाबंद का हाथ छिपा हुआ है, और बाइबल कह रही है कि जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है आपको उसी की उपासना करनी चाहिए। प्रेयर आपको जब आप करते हैं ना, आप समझो कि आप मेडिसिन खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं आप? बोलो जी, क्या खा रहे हैं? मेडिसिन। आप डॉक्टर के पास मेडिसिन खाते हैं तो आपको थोड़े समय के लिए आराम देता है, उसके बाद फिर घबराहट। अभी हाल में एक वीक पहले एक बहन का फोन आया, रो रो के वो फोन कर रही थी। हम लोग कहीं बाहर थे, घर पे फोन था, फोन बहुत आए, हम जब वापस आए, हमने कॉल किया, पूछा क्या हुआ, वो बहन से बोला नहीं जा रहा है, वो रोते चले जा रही है। दूसरी बहन ने मुझसे बात की कि इसकी सिस्टर को कैंसर हो गया लास्ट स्टेज का, और वो वेंटिलेटर के ऊपर, डॉक्टर ने बोला कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
श्री राम हॉस्पिटल में वो एडमिट थे। हमने कुछ नहीं किया, रात को सिर्फ छोटी सी प्रार्थना की, खुदावंद खा रहा है, एक काला कपड़ा उसके पूरी बॉडी के ऊपर डाला गया और शैतान ने उसके पाँव में एक हथकड़ी जैसे डाल करके उसको खींच के ले जा रहा है। मैंने जब बात बताई और प्रार्थना की और उन्होंने बोला कि डॉक्टर बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, पूरी बॉडी के अंदर बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो जहीं से पहले भी उसका कैंसर हील हुआ था लेकिन वो भूल गई बाद में कि मैं चंगी हुई हूँ जहाँ पर से। फिर वो घूमने लगी कभी इधर को फैशन मेले की तरह, जैसे आज चर्च कर रहा है, क्लिसिया कर रहा है कि फैशन शो में घूमते, कभी इधर को कभी उधर को कभी इधर को कभी उधर को, अपने वस्त्रों का फरमाइश करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। कैंसर जब वापस आया फिर पास्टर जी याद आया, हमने प्रेयर की, कुछ नहीं किया, छोटी सी प्रेयर की, मतलब कोई बात नहीं, जाओ आप टेस्ट करवाना, आपके सारे टेस्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे, नॉर्मल होंगे। अभी पिछले वीक उसके हस्बैंड का बाहर से फोन आया, प्रभु की दया से सारे टेस्ट क्लियर हो गए, सारे टेस्ट क्लियर हो गए। वो लेडी वहां से उठ करके अपने गांव में आई हुई है, अभी आराम से अपने घर बैठी हुई है। सुनो मैं क्यों कह रहा हूं, आप परमेश्वर को जाने सच्चाई क्या है, आप परमेश्वर को पहचाने परमेश्वर क्या कर सकता है। अगर वो मिट्टी के बुत में जान डाल सकता है आपकी बीमारियों को, वो चुटकियों से ठीक कर सकता है, पर कैसे करेगा, पहले आपका विश्वास मजबूत करना होगा। आपको करना है, मैंने नहीं करना है। मैंने आपको सिखाना है विश्वास क्या है, मैंने आपको बोलना है विश्वास कैसे करना है, मैंने आपको बताना है टेस्टमनी देने का मतलब क्या है, जहां पर कि आज दूसरे लोग जो दुखी हैं वो देख करके उनका विश्वास क्या हो जाए और मजबूत हो जाए। बोलो क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। कहता है मजबूत मेरा दिल है शौंका दे नाल गावा। अगर आपका दिल मजबूत है तो आप प्रभु के लिए ऊंची ऊंची आवाज से गा सकते हैं,